हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ सेंट्रल आइडिया ऑफ अ फोटोग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है और इसकी कवित्री जो है सैली टॉलसन है। सो टाइम वेस्ट न करते हुए इसको शुरू करते हैं। सैली टॉलसन पोयम अ फोटोग्राफ इज अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। सैली टॉलसन की कविता अ फोटोग्राफ उसकी माँ को एक श्रद्धांजलि है। द पोयम डिस्क्राइब्स थ्री स्टेज इन द पासेज ऑफ टाइम, और यह कविता समय परिवर्तन के तीन चरणों को वर्णित करती है। इन द फर्स्ट स्टेज, पहले चरण में, द फोटोग्राफ शोज एंजॉयबल मूवमेंट ऑफ हर मदर एट अ सी बीच विथ हर टू कजिन्स हु वर यंगर टू हर। पहले चरण में कविता यानी कि फोटोग्राफ समुद्र के किनारे अपनी दो चचेरी बहनों के साथ, जो कि उनसे छोटी होती हैं, एक मनोरंजक क्षण के रूप में दिखाती है। सी वाज अराउंड 12 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, और वह उस समय 12 वर्ष के आसपास होती हैं। द सेकेंड स्टेज अस 20 और 30 ईयर्स लेटर, और जो सेकेंड स्टेज है वो द्वितीय चरण हमें 20 और 30 वर्ष पीछे ले जाती है और आगे, मतलब बाद, लेटर माने बाद ले जाती है। द मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ, माँ फोटोग्राफ को देखती हैं एंड लाफ एवोकेटिवली रिमेम्बरिंग द हैप्पी मेमोरीज ऑफ हर पास्ट, अतीत की अपनी प्रसन्नतापूर्ण क्षणों को याद करते हुए हंसती हैं। एंड कमेंट ऑन द ड्रेसेस वॉर्न बाई कजिन्स एंड हर सेल्फ, और अपने द्वारा तथा चचेरी बहनों द्वारा पहने हुए कपड़ों पर टिप्पणी करती, यानी कि कुछ कहती हैं। इन द थर्ड स्टेज, तीसरी चरण में, द पोएट रिमेम्बर्स द डेड मदर विथ अ हैवी हार्ट, बड़े ही दुखित हृदय के साथ कवित्री अपनी मृत माँ को याद करती हैं। विथ अ हैवी हार्ट द फोटोग्राफ रिवाइव्स अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएटेस, और फोटोग्राफ कवित्री की उदासीन भावनाओं को, कैसी उदासीन भावनाओं को यहां प्रस्तुत करती हैं। अब मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और शेयर करते चले जाएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।